Hello to all viewers, it's a match day and Netherlands taking on Afghanistan and let's see who came out of the victorious of this match. And a very important match from Afghanistan perspective because they are still in the race, still in the hunt of the semi-final spots considering the number 6 spot is at Afghanistan beating Pakistan last time. So they have very high morale and after that they have beaten England as well at the early stages of the World Cup. So today's match is Afghanistan and Netherlands ka important match because Netherlands is also quality cricket khelri aur do badi teamon ko South Africa aur Bangladesh ko hara chuki hai. Same लाइक अफगानिस्तान उन्होंने इंग्लैंड को और मारा है, साथ पाकिस्तान को भी मारा है. तो अब पॉइंट ये है कि इन दोनों का जो मैच है आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान के नुक्ते नज़र से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए कि अगर वो टूर्नामेंट में अलाइव रहना चाहते हैं तो उनको एक अच्छे मार्जिन से जीतना है. और आज अगर अफगानिस्तान जीता है तो वो 8 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पे आ जाएगी. रन रेट डिपेंड करता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट आई बिलीव थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा है तो पाकिस्तान से ऊपर चले जाएंगे अगर अफगानिस्तान जीतता है. ऑन द अदर हैंड नेदरलैंड्स भी बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेल रहा है और कहीं से भी आप उसको लाइट नहीं ले सकते. इरिस्पेक्टिव व्हाट दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट गोइंग फॉर एनी माइलस्टोन और टारगेट, प्लेइंग अ डिसेंट क्रिकेट, डिसेंट शॉट्स और वो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क के बगैर कोई गेम कर रहे हैं और 2 विक्ट्रीज का सबूत है. तो आज ऐसा नहीं कि नेदरलैंड्स को बिल्कुल लाइट ले लेंगे. वैन बीक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ से. आज थोड़ा सा लग रहा है कि स्पिनर्स दोबारा तंग कर सकते हैं नेदरलैंड्स को. प्रेडिक्शन वाइज थोड़ा सा अफगानिस्तान मुझे फेवरेट लग रहा है. आई थिंक अफगानिस्तान गोना वेट, रिजल्ट वाला आएगा तब देखेंगे. तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें. अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.